तो जैसा कि हम बात कर रहे थे गुरु के गोचर की, और गुरु गोचर करेंगे 20 नवंबर 2021 से कुंभ राशि में और 13 अप्रैल 2022 तक ये कुंभ में ही रहने वाले। तो इसका जो असर होगा सिंह राशि और लगन वालों के लिए कैसा रहेगा, पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या क्या है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले। तो देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है या आपका सिंह लगन है तो दोनों से ही आप वैसे फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली आपको लगन से इस वीडियो को पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। बाकी जो लोग राशि से देखते आ रहे हैं वो राशि से भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि राशि वालों के लिए भी गोचर का इफेक्ट है वो सेम ही लगभग रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए आपकी कुंडली में, तो गुरु के पास जो स्वामित्व आपकी कुंडली में है वो एक तो पंचम भाव का है और एक आपके अष्टम भाव का है। अब पंचमेश और अष्टमेश होकर गुरु आ रहे हैं सप्तम में, तो इनका गोचर परमानेंटली शुरू हो जाएगा 20 नवंबर से। अभी तो वो वैसे थोड़े समय के लिए ही हैं और अभी रेट्रो हैं, वो अभी आने वाले मकर में फिर से, और उसके बाद वो आएंगे कुंभ में। तो कुंभ में जैसे ही गुरु आएंगे तो आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके शादी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा इन दिनों में रहेंगे, यानी 13 अप्रैल 2022 तक आपकी शादी होने के और शादी फिक्स होने के कंप्लीट चांसेस बनते हैं, पूरे पूरे चांसेस 100% बन रहे हैं। और हो सकता है जिनका अभी जैसे कुंभ में गुरु चल रहे तो किसी की कोई बात बनी होगी, लेकिन शादी होना जो फिक्स होगा आपका वो इसी टाइम में नवंबर से लेकर और अप्रैल तक का जो समय है इसमें ज़्यादा संभावना बनेगी। साथ में देखिए, अगर यहाँ पर आपका किसी से प्रेम संबंध है, लव अफेयर वगैरह है और आप उनसे लव मैरिज वगैरह करना चाहते हैं, तो वैसे तो आप लव मैरिज कर सकते हैं, मतलब आप लव कम अरेंज मैरिज भी कर सकते हैं। यहाँ पर गुरु जैसा ग्रह है तो हम कह सकते हैं कि गुरु जो परंपरागत जो शादी होती है, जो हमेशा रीति रिवाज को ही फॉलो करते हुए लोग आ रहे हैं, वो थोड़ी उस प्रकार की सोच देता है गुरु। तो इस वजह से हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको अलाउ ना करे लव मैरिज डायरेक्ट करने के लिए और लव कम अरेंज मैरिज की तरफ आपको जाना पड़े, तो ये स्थिति भी बन सकती है। अब देखिए, पंचमेश होके आ रहे हैं सप्तम में, तो यहाँ पर आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपके जो डिसीजंस है वो काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, अपनी मैरिज को लेके, अपने लाइफ पार्टनर को लेके, अपने बिजनेस को लेके, और अपने जो ओवरऑल जो सप्तम भाव से रिलेटेड जो भी आपके काम हैं, भले ही आपकी एक जो इमेज है पब्लिक में अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो, और साथ में आपका जो व्यवहार है, क्योंकि जो सप्तम भाव है वो एक तरह से जनता है, वो आपके जस्ट ऑपोजिट पीपल, जिनसे आप मिलते हैं, जिनसे आप हमेशा बात करते हैं, और जो भी पब्लिक आपको जिस तरह से देखती है, आपकी जो इमेज पब्लिक में है उस हिसाब से यहाँ पर, क्योंकि गुरु यहाँ पर आपके लिए साबित होंगे, तो एक तरह से देखा जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा इस समय मान सम्मान भी दिलाएंगे गुरु, और साथ में आपका जो व्यवहार रहेगा जनता के साथ काफ़ी शालीन रहेगा और काफ़ी अच्छे से आप व्यवहार करने वाले। तो यहाँ पर आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपका जो चातुर्य है वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। साथ में आप अगर कोई बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो उसमें भी आप अपना इंटेलिजेंस काम में ले सकते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता को काम में ले सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो आपकी जो डिसीजंस हैं, भले ही आप किसी भी फील्ड का डिसीजन लें, चाहे वो आपके बिजनेस का डिसीजन हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ का डिसीजन हो, चाहे शादी का हो, चाहे कुछ भी हो, वो डिसीजन मेकिंग पावर आप में नज़र आएगी काफ़ी अच्छी। तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं गुरु के गोचर तक, यानी 13 अप्रैल 2022 तक आप काफ़ी सारी प्लानिंग कर सकते हैं अपने लाइफ के बारे में आगे, जो भी आपको कहीं पर काम करना, भले ही आपको अपनी संतान से रिलेटेड डिसीजन लेने हो, भले ही अपनी एजुकेशन से रिलेटेड डिसीजन लेने हो। साथ में देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और उनका जो है पढ़ाई का जो समय है वो ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसमें अगर आपका कोई भी नया प्लान बनता है एजुकेशन के बारे में, कहीं पर आप मान लीजिए एडमिशन लेते हैं या आपका कोई रिजल्ट आता है, कोई एग्जाम वगैरह देते हैं, तो ओवरऑल जो रिजल्ट है आपका एजुकेशन से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साथ में देखिए, सप्तम में आया हुआ गुरु यहाँ से, क्योंकि वो लगन को देखता है, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और गुरु काफ़ी शुभ ग्रह है तो आपके लिए बहुत सारे अच्छे रिजल्ट ही लेकर आएगा। कुछ रिजल्ट आपके लिए जरूर नेगेटिव रहने वाले, जिनकी चर्चा भी हम अंत में करने वाले। तो यहाँ पर देखिए, सप्तम भाव में गुरु आ रहे हैं और सप्तम भाव में होने की वजह से, क्योंकि ये आपके लाइफ पार्टनर का भाव है, इस वजह से आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो आपके लिए एज ए गुरु साबित होगा, यानी लाइफ पार्टनर से आप कोई भी अच्छी सलाह ले सकते हैं।
और आपको अपने लाइफ पार्टनर से इस समय बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। साथ में आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसको आप स्पिरिचुअल होता हुआ देखेंगे। जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है उनके लिए ये बात लागू होगी कि आप अपना जो भी लाइफ पार्टनर है उसको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होना, या फिर उनको कोई भी, अगर मान लीजिए वो जैसे जैसे वकील हैं या एक टीचर हैं, तो उनके जो रिजल्ट हैं उनके लिए गुरु के, वो काफ़ी अच्छे साबित होने वाले हैं। हालांकि आपकी लाइफ में भी एक उतार चढ़ाव वाली जो स्थिति है वो जरूर बन सकती है गुरु के सप्तम में होने की वजह से, क्योंकि वो अष्टम भाव की स्वामी है। लेकिन गुरु काफ़ी शुभ ग्रह है, इस वजह से आपको यहाँ पर जो रिजल्ट मिलने वाले वो ज़्यादातर अच्छे ही मिलने वाले। तो यहाँ किसी भी प्रकार का कोई आपको नेगेटिविटी मन में नहीं रखनी है, साथ में बहुत ही पॉजिटिव होके गुरु के इस लगभग 4.5-5 महीने का जो भी गोचर है फिलहाल, उसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए। तो एक तरह से देखा जाए तो आपका जो लाइफ पार्टनर जो होगा वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगा आपके लिए, और वो काफ़ी अच्छे डिसीजंस आपको लेकर देगा। खुद वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आपकी फैमिली के लिए मैटर करेगा, और कहीं ना कहीं उसको आपकी फैमिली की, आपकी चिंता काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। तो ऐसी स्थिति में लाइफ पार्टनर का जो प्रभाव होगा आपके ऊपर वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो देखिए, यहाँ पर गुरु जैसा प्लेनेट आ रहा है, और गुरु यानी रेस्पेक्ट मांगता है हमेशा। गुरु वैसे मांगता नहीं है, हम खुद ही देते हैं। और गुरु जैसा जो प्लेनेट है उसको ऑलरेडी, क्योंकि सभी ग्रहों में इसको सबसे बड़ा ग्रह माना गया, तो ऐसे स्थिति में यहाँ पर क्योंकि सूर्य की राशि के जस्ट ऑपोजिट आ रहे हैं तो रिजल्ट तो आपके लिए अच्छे रहने वाले, लेकिन कहीं ना कहीं आप में जो घमंड है वो जरूर उत्पन्न होगा। तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो हो सकता है आपसे इस समय ना दबे, और वो आपके जस्ट सामने वो कोई ना कोई ऐसी बात रखते हैं जहाँ पर एक दूसरे का ईगो थोड़ा सा टकरा सकता है। तो ऐसे स्थितियाँ जरूर बन सकती है, बट ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने ईगो को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर की बातों में अगर आप इस समय ठीक से सोच समझ कर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो ये समय आपके लिए काफ़ी बेटर साबित होने वाला है। साथ में देखिए, ये जो गोचर होगा आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। लाइफ में जो अभी तक बहुत ज़्यादा अगर आपको उथल पुथल देखने को मिल रही थी, तो इस समय आपको काफ़ी फायदा होगा। साथ में लोग आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान देंगे। अगर आप टीचिंग के फील्ड में हैं तो गुरु आपको एक सही दिशा में आगे बढ़ाएगा। गुरु आपकी जो थिंकिंग है उसको काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर रखने वाला है। साथ में आपको धन लाभ देगा, और आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो आपके लिए इस समय काफ़ी लकी साबित होगा। अगर मान लीजिए किसी की मैरिज होती है इस समय में, तो आपकी लाइफ में यहीं से एक बड़ा मोड स्टार्ट हो सकता है, एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ से स्टार्ट हो सकता है लाइफ में। तो ये काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं। साथ में देखिए, गुरु भाग्य का कारक है, तो भाग्य आपका जरूर साथ देगा, और भाग्य का साथ आपको अप्रैल तक काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। साथ में जो लोग कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका साबित होगा। साथ में गुरु यहाँ पर सप्तम में आ रहे हैं, तो नया जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं या पहले से बिजनेस करके रखा हुआ स्टार्ट, तो उसमें बहुत सारे फायदे, बहुत सारे गेन आपको होने वाले, अच्छे पार्टनर आपको मिलेंगे। और अगर पहले से पार्टनरशिप चल रही है तो आपका बिजनेस में काफ़ी अच्छा विस्तार देखने को मिल सकता है। लेकिन इस समय अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकता है। जब वो वक्री होगा, जब वो एक तरह से यहाँ से कोई अन्य प्लेनेट मान लीजिए गुजरेगा, कोई क्रूर ग्रह, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं वो आपके लिए नेगेटिव भी साबित हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर गुरु अष्टम का मालिक होने की वजह से लाइफ पार्टनर की सेहत को लेकर थोड़ी सी चिंता आपकी बढ़ सकती है, और आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनको मोटापा या किसी अन्य प्रकार की कोई समस्या या पीलिया होना, इस प्रकार की जो समस्या वो आ सकती है। तो आपको अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का ख्याल जरूर रखना चाहिए। साथ में देखिए, ये जो गुरु होगा वो मैरिड लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। डिस्टर्ब इसलिए कर सकता है कि गुरु जैसा प्लेनेट है, साधु जैसा प्लेनेट है, तो हम कह सकते हैं कि मैरिड लाइफ में जो इंजॉयमेंट होता है, जो जो सुख होता है हमें, उसमें थोड़ी बहुत कमी करता है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए जीवन साथी की सेहत भी खराब नहीं होती है, तो आपका जो जीवन साथी होगा
वो साधु संत की तरह व्यवहार करने लगेगा, वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में इन सब कार्यों में लीन हो जाएगा। तो उसका जो मैरिड लाइफ का जो सुख है, मैरिड लाइफ का जो इन्जॉय है, जिस तरह से हम इन्जॉय करते हैं हमारी मैरिड लाइफ को, उसकी तरफ वहाँ पर आपके पार्टनर का ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें, ये सारे काम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पर नेगेटिविटी साबित हो सकती है। बाकी यहाँ पर गुरु के जो रिजल्ट हैं काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। और साथ साथ में गुरु आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं, आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाएंगे, आपके जो थिंकिंग है आपके उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाने वाले। तो एक तरह से आपको भी ये स्पिरिचुअल बनाने वाले हैं, आपको आगे बढ़ाने वाले लाइफ में, और आपको सही रास्ता दिखाने वाले किस तरह से आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए, थोड़ी सी दृष्टियों की बात हम और कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इनकी जो सबसे पहले जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके लाभ स्थान पर पड़ेगी। तो आपको आपके लाइफ पार्टनर से धन लाभ, आपको आपके लाइफ पार्टनर से भाग्य का साथ और भाग्य का लाभ मिलेगा, और आपके बिजनेस से भी, भले ही वो पार्टनरशिप हो के या खुद का बिजनेस अगर है, तो आपको बिजनेस से काफ़ी ज़्यादा धन लाभ होने वाला है इस समय। और अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हालांकि हो सकता है शुरू में वो धीमा चले, लेकिन आगे चलकर आपको वो बिजनेस है वो स्थायी रहेगा और काफ़ी सारा धन आपको उस बिजनेस में आएगा। तो यहाँ पर क्योंकि गुरु देख रहे हैं लाभ स्थान को, तो लाभ स्थान को देखने से आप अपने बड़े भाई का सहयोग ले सकते हैं अपने बिजनेस में, या बड़े भाई के साथ भी पार्टनरशिप करके चल सकते हैं। तो समय काफ़ी अच्छा है, साथ में आपके जो नेटवर्क में जो लोग हैं वो भी आपको एज ए गुरु मानेंगे, आपसे सलाह लेंगे, आप दूसरों को सलाह दे सकते हैं। आपका लाइफ पार्टनर भी कुछ ऐसी स्थिति में होगा जहाँ पर वो किसी को कोई सलाह दे सकता है। साथ में देखिए, यहाँ पर गुरु जो कि लगन या आपके राशि स्थान को देख रहे हैं, तो इसके रिजल्ट तो मैंने बता ही दिए कि आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, और आपको थोड़ा सा हो सकता है लाइफ पार्टनर का जो व्यवहार है उसको फेस करना पड़े, थोड़ा जिद्दी व्यवहार, और हेल्थ के लिए ये ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लेकिन पार्टनर की हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं कर सकते। अब यहाँ से सीधा इनकी जो 9th जो एस्पेक्ट पड़ेगी वो आपके थर्ड हाउस पर पड़ेगी। तो थर्ड हाउस की बात करते हैं, ये समय में अगर आप राइटर हैं या आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसको आपको रोज संभालना पड़ता है, डेली का डेली आपको काम देखना पड़ता है, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या आगे होने वाला है, किस तरह से आपको प्लानिंग करनी, वो सारे काम अब आप इस गोचर में देखने वाले, गुरु के इस गोचर में, और उन पर आपका फोकस अवश्य रहना चाहिए। तो कोई आपका ऐसा बिजनेस है जिसको आपको डेली डेली संभालना पड़ता है, डेली डेली आपको चेक करना पड़ता है, हिसाब करना पड़ता है, तो उन कार्यों में गुरु आपको सहायता करने वाले। और साथ में ये समय देखिए, अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी मिलकर कोई ना कोई बिजनेस या कुछ ऐसा स्टार्ट करने वाले हैं या पहले से कर रखा है, तो उसमें भी फायदा देगा। तो एक तरह से देखा जाए सिंह राशि और लगन वालों के लिए ये गोचर काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है, और इस समय आपको स्पिरिचुअल कार्यों में अगर रुचि हो तो स्पिरिचुअल कार्य जरूर करने चाहिए, मन को शांति देते हैं और काफ़ी पॉजिटिविटी आपको आएगी गुरु के इस गोचर में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।